सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। तो अभी हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि आपको बेटरमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर कोई स्टूडेंट को फ्रीज भी करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, और कोई भी स्टूडेंट को अगर बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले तो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है, हमारी सीईटी सेल की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर पे आप क्लिक करते हो, देन आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना है, देन साइन इन करना है। ओके, मैं कैप्चा एंटर कर लेता हूँ यहाँ पे। देन साइन इन करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको डिटेल शो होगी। अभी कैपराउंड वन में जो आपको सीट अलॉट हुई है, जो भी आपको कॉलेज और जो भी ब्रांच अलॉट हुई है, वो यहाँ पे आपको शो होगी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे स्टेप डिटेल्स, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, ऐसे चार स्टेप जो है दिए गए हैं। हम लोग स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप जो है वो सेल्फ वेरिफिकेशन है। देन स्टेप टू जो है चूज सीट एक्सेप्टेंस ऑप्शन, फ्रीज और बेटरमेंट है। देन स्टेप थ्री में हमें 1000 रुपीज फीस जो है पे करनी पड़ेगी। देन कंफर्म सीट एक्सेप्टेंस लेटर स्टेप फोर में। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता दूं। कैपराउंड वन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक अप टू 5 पीएम तक आप ले सकते हो। कैपराउंड वन का कॉलेज 29 जुलाई को आप नहीं ले पाओगे। उसी तरह अगर आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक अप टू 3 पीएम आपको बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है। ये प्रोसेस आज नहीं तो कल तक आपको कंप्लीट कर लो। 28 तक भी जो है वेट मत करो, 27 तक ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, देन उसके बाद ये थर्ड पॉइंट वही मेंशन किया गया है कि अगर आपने कोई भी रिसीप्ट अपलोड की थी एंड अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो और एडमिशन के टाइम पे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तब आपको जो है ओपन कैटेगरी की फीस पे करनी पड़ेगी। टिल दी कैपराउंड थ्री तक आपको जो है टाइम पीरियड दिया गया है आपके वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए। कैपराउंड थ्री तक यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया गया है। अब कैपराउंड थ्री तक आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नहीं शो कर पाते हो तो आपकी सीट जो है वो ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट की जाएगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे। अभी हम लोग वन बाय वन सारे स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर वन जो है सेल्फ वेरिफिकेशन स्टेटस। अब सेल्फ वेरिफिकेशन का मतलब है कि हमें पूरा का पूरा फॉर्म जो है रीचेक करना है, कैंडिडेट नेम वो सब हमको यहाँ पे रीचेक करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे सारी चीजें हमको सिलेक्ट करना है, जेंडर मेल करेक्ट है, देन कैंडिडेट महाराष्ट्र टाइप, यहाँ पे टाइप ए करेक्ट है, देन कैटेगरी फॉर एडमिशन एससी है। अगर सपोज यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट आता है तो यहाँ पे आप इनकरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर सारी डिटेल्स आपकी करेक्ट है तो यहाँ पे आपको करेक्ट सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको सारे मार्क्स आपके सिलेक्ट करना है, देखना है। अगर इनकरेक्ट अगर आपके कुछ मार्क्स आते हैं तो यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पे आपको एंटर करने पड़ेंगे। तो ये सारे मार्क्स जो है ये स्टूडेंट के सब करेक्ट है तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको चेक करना है 10वीं के मार्क्स और 12वीं के मार्क्स, एचएससी और एसएससी दोनों मार्क्स आपको वेरीफाई करके ही ये सब के आपको जो है चेक मार्क करना है। ठीक है, देन यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करना है। ओके, फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे चेकबॉक्स पे आप क्लिक करते हो और यहाँ सेव एंड प्रोसीड करते हो तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग स्टेप नंबर टू पे, दैट इज बेटरमेंट और फ्रीज। अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सब लोग ध्यान दीजिए। अ कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड सीट अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको भी अलॉट होता है वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, वहां पे उसको एडमिशन लेना ही पड़ता है, देन वो फर्दर कैपराउंड के लिए एलिजिबल नहीं होता है। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि एंड इफ द कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद सच अलॉटमेंट एंड डू विश टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर कैपराउंड्स, दे हैव टू बी सिलेक्टेड बेटरमेंट ऑप्शन। इसका मतलब यह है कि आपको कैपराउंड टू में पार्टिसिपेट करना है और बेटरमेंट के लिए जाना है, एंड अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो भी कॉलेज जो भी ब्रांच अलॉट हुई है तो आपको सिंपली जो है नॉट फ्रीज और बेटरमेंट पे आपको क्लिक करके यहाँ पे सीट बेटरमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे फ्रीज जो है, फ्रीज मतलब अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉटेड बट सेल्फ फ्रीज बाय द कैंडिडेट। अगर कोई स्टूडेंट है जो कैपराउंड वन में ही एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट को बेटरमेंट के लिए जाना है तो यहाँ पे मैं बेटरमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड एंटर करना होगा आपको, आपका लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, फिर वेरीफाई पासवर्ड करोगे तो ओटीपी यहाँ पे चला जाएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी एंटर करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ। सो ओके, यहाँ पे मैंने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है, वेरीफाई ओटीपी भी हो गया। देन उसके बाद योर सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस इज बेटरमेंट, यहाँ पे आपको शो होगा नॉट फ्रीज, एंड सेल्फ कंफर्मेशन स्टेटस जो है यहाँ पे नॉट कंफर्म शो होगा। ठीक है, देन इसके बाद आपको 1000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस की फीस जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी। ऑनलाइन आप पे कर सकते हो एंड सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो।
देन उसके बाद यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड प्रोसीड टू पेमेंट करना है। देन यहाँ पे आप पे कर सकते हो, जो भी ऑनलाइन मेथड है आपका उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पे कर सकते हो, यहाँ पे रिजर्व पे भी आप पे कर सकते हो। ओके यहाँ पे फर्दर प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे आएगा, तो यहाँ पे आप स्कैन करके वगैरह आप यहाँ पे फीस पे करके सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आपकी सीट एक्सेप्टेंस की फीस जो है पे हो जाती है, उसके बाद आपका बेटरमेंट सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। एंड स्टेप नंबर 4 में जस्ट आपको वो उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है। स्टेप नंबर 4 में जस्ट आपको उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रखना है। आई होप सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।